I'm going to invite Dr. Anjali Agarwal. Dr. Anjali Agarwal is a well-known disability rights advocate. She is the founder of an organization called Samarthyam. She's a well-known disability activist, and Samarthyam, her organization, has a special status in the UN ECOSOC since 2015. Her work is in disability as well as in the area of gender. She is a member of the NITI CSO Standing Committee, the NITI Aayog CSO Standing Committee. And what I do also know is that she's done many, many audits of many buildings in our country. She's trained many people to do accessibility audits. And most importantly, she's also written a whole manual on creating accessibility in schools. So, Dr. Anjali Agarwal. Thank you. WaterAid and RT Forum for this opportunity. थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था बट वो ठीक हो गया है. मैं शुरुआत करना चाहूंगी जो पास्ट में हमने देखा कि जो चैलेंजेस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और गर्ल्स ने फेस किया, स्पेशली सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एटीट्यूडनल बायस एंड फिजिकल बैरियर्स, जिसकी वजह से ये हुआ कि वॉश में उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और इमरजेंसीज में ये अब जैसे कि COVID-19 का जो पैंडेमिक है इसमें ये चैलेंजेस और ज्यादा मल्टीफोल्ड बढ़ जाएंगे. इन द लास्ट फ्यू इयर्स समर्थ्यम मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने करीबन 600 स्कूल्स का एक्सेस ऑडिट किया था 16 स्टेट्स के अंदर, एंड वी फाउंड दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट परसिस्ट वॉश को लेके. और इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, जो अगर मिस्टर रंजन उसको शेयर कर पाए. मैंने किया था जो था कि हमने कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में एक ब्लॉक में एक स्कूल का एक्सेस ऑडिट किया और वो एक कमरे के अंदर करीबन 100 लड़कियां वहां रुकी हुई थी. ये एक नक्सलाइट एरिया है और ये जो 100 लड़कियां थी इनका स्कूल ड्रॉप आउट थी ये, क्योंकि ड्यूरिंग फिफ्थ एंड सिक्स क्लास इनके पेरेंट्स ने इसको स्कूल से छुड़वा दिया था और वो खुद भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि स्कूल एक्सेसिबल नहीं थे. तो यहाँ आप देखेंगे ये लड़कियां जो हैं, ये जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा हम स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट वॉश फैसिलिटीज जो है, पानी पीने की जगह और टॉयलेट सेफ होने चाहिए, ऑपरेशंस होने चाहिए उसमें. और इनमें से काफी लड़कियां जो हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड भी हैं, तो वो चाह रही थी कि उनको रैम्स की भी सुविधा मिले. तो इस इसको हाईलाइट करने के बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि वॉश सर्विस प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हमें ये याद दिलाना होगा दोबारा कि इंक्लूसिव वॉश जो है वो एज, जेंडर और डिसेबिलिटी, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करना चाहिए. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये ध्यान रखें कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉश एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स विद यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स, उनको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए. तो यूनिवर्सल डिजाइन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने कुछ स्केचेस हैं, मैं एक एक करके दिखाऊंगी. रंजन जी आप एक फर्स्ट वाले से शुरू करें. ये वाला? हाँ जी बिल्कुल. तो इसमें हम देखेंगे कि जो अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कर रहे हैं कि टैप्स के बीच में दूरी हो, और ये जो जो हमने डिजाइन स्टैंडर्ड बनाया इसमें एक और खासियत है कि ये मल्टीपल लेवल्स पे है, तो इसे मल्टी टैप मल्टी कैप करके बुलाया जाता है जो इंजीनियर्स की लैंग्वेज में है, और उड़ीसा में ये बहुत अच्छी तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू हुआ है. यहाँ पर एक खासियत और है कि अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी हाइट कम हो वो नीचे वाला नल यूज कर सकता है, अगर कोई बड़ा बच्चा है तो ऊपर वाला यूज कर सकता है. और इसी के साथ साथ यहाँ सोप रखने का एक कभी होल बनाया गया है, तो ये मैंडेटरी है हर बच्चा कि पहले वो सोप हाथ में ले और फिर नल को ऑपरेट करे. नल के डिजाइन में भी चेंजेस लाए जा सकते हैं, जैसे कि हम ये नल का अगर जो हैंडल है जिसे हम जिसे टोटी कहते हैं या इंग्लिश में हम इसको लीवर हैंडल कहते हैं, अगर वो लंबा कर दिया जाए जो कि बहुत आराम से मिल जाता है, उससे एक ये फायदा होता है कि एक
फायदा होता है कि बच्चे जो हाथ से उसको ना टच करें, जिससे कि कोविड का कोरोना इंफेक्शन का डर ना रहे, तो इसे एल्बो से कोहनी से भी ऑपरेट कर सकते हैं. एंड देयर लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनके हाथों में दिक्कत होती है न्यूरोमोटर फंक्शंस की वजह से, डिसेबिलिटीज की वजह से, उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है. दूसरी चीज हमने जो देखी है कि वो है इम्पोर्टेंट कि अगर हम कोरोना के टाइम पे एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, उस केस में अगर हमारे स्कूल्स के CWSN टॉयलेट, जिसे कि टॉयलेट विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इसमें अगर रैंप हो और वो स्टीप हो तो बच्चों को किसी से असिस्टेंस लेने की जरूरत पड़ती है. नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर असिस्टेंस लेने की जरूरत पड़ रही है तो इन दैट केस उसको अपना व्हीलचेयर किसी से शिफ्ट कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, एंड देन द सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट मेंटेन. सो हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ जेंटल रैंप कि हम रैंप को बहुत अच्छी तरह से बनाएं, 1:15 का ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं, और इसमें दोनों तरफ हैंड रेल्स होनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो व्हीलचेयर यूज कर रहे हैं वो रैंप से चढ़ेंगे, जो क्रचेस यूज कर रहे हैं या वॉकर यूज कर रहे हैं या कोई और तरह की रिड्यूस्ड मोबिलिटी है तो वो हैंड रेल के द्वारा चढ़े. इसके लिए मैं बहुत बताना चाहूंगी कि ये बहुत कॉस्टली प्रपोजिशन नहीं है, इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता. स्कूल मेंटेनेंस फंड्स की अभी बात करी है मेरे पहले स्पीकर्स ने, और ये स्कूल मेंटेनेंस फंड से ही, लोकल मटेरियल से ही आराम से ये हैंड रेल्स लगाई जा सकती है, जिसे हम रेलिंग भी कहते हैं हिंदी में. कई बार जब रैंप स्टीप होते हैं, जब बहुत ज्यादा खड़े होते हैं, जैसे कि मैं अपनी लैंग्वेज में रॉकेट लॉन्चर कहती हूँ, वहां से आप समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे को चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो सकता है. एक और इशू आया है जिसकी वजह से कि हम लोगों ने देखा कि लड़कियां जोड़ी में, मतलब देयर आर टू गर्ल्स टुगेदर हु गो टू द वॉशरूम्स, और वो टीचर्स भी अलाउ करती हैं. उसका रीजन ये है कि दो लड़कियां जोड़ी में टॉयलेट जाती हैं, एक दरवाजे नहीं होने की वजह से टॉयलेट के बाहर खड़ी रहती है, एक अंदर जाके टॉयलेट यूज करती है, और जब उस अंदर वाली लड़की का टॉयलेट हो जाता है तो वो बाहर आती है और फिर दोनों लड़कियां वापस आती है. मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता है कि कोरोना के टाइम पे क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है. पर जो पॉसिबल है वो ये है कि हम दरवाजे तो लगा सकते हैं ना, गर्ल्स के टॉयलेट्स में दरवाजे हमेशा गायब होते हैं. ऐसा क्यों? लाइट्स नहीं होती है, पाइप्ड वाटर नहीं है, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्ल्स टॉयलेट में हमें डिस्पोजेबल जो वो नैपकिन अपना जो यूज करती हैं उसको डिस्पोज करने के लिए कि क्या हम डस्टबिन या इंसिनरेटर्स नहीं रख सकते. कुछ जो मैंने डायग्राम्स यहाँ पर अभी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने उसको चाइल्ड फ्रेंडली हाइट के हिसाब से बनाया है. हाँ, अगर हम और नीचे आते जाए तो जैसे ये व्हीलचेयर में जो बच्ची है व्हीलचेयर यूज करिए, उसके हिसाब से वॉश बेसिन बना है. तो क्या ये वॉश बेसिन दूसरे बच्चे नहीं यूज कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे. और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो बच्ची है ये एक्सक्लूजन नहीं फील करेगी, और इसकी वजह से वो डेफिनेटली रेगुलरली स्कूल आएगी. एक चीज और जो हमने नोटिस की है वो ये होती है कि इंडिपेंडेंट ट्रांसफर, इसके नेक्स्ट वाला इमेज दिखाइए प्लीज. Yes. अगर हमारे टॉयलेट्स में ग्रैब बार्स लगे हों, जिसे अगेन हम रेलिंग कहते हैं, तो बच्चे जो व्हीलचेयर यूज करते हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स कर सकते हैं, जिसके लिए उनको सहायता की जरूरत नहीं है. एक छोटी ट्रेनिंग की जरूरत है कि जिससे उनको बताया जा सके कि वो किस तरीके से यंग गर्ल्स एंड बॉयज अपने आप इन रेलिंग्स के थ्रू, ग्रैब बार्स के थ्रू पकड़ के ट्रांसफर करें और इनका सही रूप से इस्तेमाल कर पाए. और इसमें जो जरूरत है वो ये है कि जो स्कूल स्टाफ है, आया है, जो क्लीनिंग स्टाफ है, वो ध्यान रखे कि जब बच्चे ने एक बार यूज कर लिया तो इन ग्रैब बार्स को हम क्लीन कर दें या सैनिटाइज कर दें, जिससे कि आगे किसी को इंफेक्शन होने के चांसेस ना रहे. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो देखा, पानी पीने की व्यवस्था जो होती है बहुत सारे स्कूल्स में, हमने आसाम में, तमिलनाडु में देखा, यूपी में देखा कि घरों में पिक्चर्स में दे यूज पिक्चर्स टू पुट द वॉटर एंड देन उसके ऊपर एक ढक्कन रखा होता है एंड देन देयर इज अ ग्लास टू यूज द वॉटर.
वॉटर. नाउ व्हाट हैपेंस इज बच्चे क्या करते हैं, पानी जब ग्लास से निकालते हैं तो दे पुट देयर ओन हैंड इनसाइड द पिचर इनटू द घड़ा, और उसकी वजह से क्या होता है कि इंफेक्शन के, नॉर्मल इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो वन पीपल इन द स्कूल कैन डू इज कि हम लोग बात करें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो फिल्टर्ड वाटर अगर आरओ और एक्वा गार्ड्स के थ्रू अगर दिया जाए, एंड अगेन द टैप्स शुड हैव लॉन्ग लीवर हैंडल कि हम उसे एल्बो से ऑपरेट कर पाए, अगर फीट से नहीं भी कर पाए तो एल्बो से एटलीस्ट कर पाए, तो ये एक बहुत अच्छा यूनिवर्सल डिजाइन का एग्जाम्पल रहेगा. ये जो स्केचेस हैं, ये एक जो बुकलेट है, ये नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज. ये बुकलेट है एक्सेसिबल वॉश पब्लिक स्पेसेस एंड स्कूल्स प्रैक्टिशनर्स मैनुअल. ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ पब्लिश कराई है, ऑथर समर्थ्य में, और मैं आरटी फोरम को ये दोनों पब्लिकेशन, एक ये और एक नेक्स्ट पब्लिकेशन प्लीज दिखाइए. Yes, ये पब्लिकेशन यूनिसेफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो कि सुगम्य भारत अभियान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू लॉन्च हुआ 2015 में, और समर्थ्यम ने हम लोगों ने ये बनाई थी. तो ये दोनों बुकलेट्स का मैं सॉफ्ट कॉपी आरटीए फोरम को भेज दूंगी, और जितने भी लोग यहाँ आज वेबिनार में हैं आप सबको ये मिल जाएगी. मेरा जो सेकेंड जो पॉइंट था वो था कि रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो स्केचेस दिखाए, यूनिवर्सल डिजाइन की प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स दिखाएं, इनको हम किस तरीके से अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले ध्यान रखें कि जो हमारी सेंट्रल एचआरडी मिनिस्ट्री है, हमारे जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, और जो स्वच्छ विद्यालय के अंदर पैसा आता है, ये पैसा मैंडेटरी फंड होना चाहिए रेट्रोफिटिंग के लिए, क्योंकि जो स्कूल्स हमारे अभी बने हुए हैं उनमें हमें रेट्रोफिटिंग करानी होगी वॉश फैसिलिटीज के अंदर, जिससे कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और हाइजीन को मेंटेन कर पाए. और जनरल टॉयलेट्स प्लस एक्सेसिबल टॉयलेट जो कि CWSN टॉयलेट है, दोनों में ये रेट्रोफिटिंग की जरूरत है. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर स्टेट का अपना एक लोकली अवेलेबल मटीरियल होता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है, सुंदर होता है, टिकाऊ होता है. तो फॉर दिस व्हाट वी नीड टू यूज इज, जैसे मैं आसाम की बात कर रही हूँ, तो वहां पर बैम्बू यूज किया जा सकता है हैंड रेल्स के लिए, ग्रैब बार्स के लिए. उसी तरह से अगर हम दूसरे क्षेत्रों में जाएं तो कहीं पे आपको एमएस पाइप्स जो कि लोहे की पाइप्स हैं उनको बेंड करके ये ग्रैब बार्स बनाई जा सकती हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे हर किसी ने जोर दिया है, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन मेंटेनेंस बैक्ड बाय रेगुलर रेकरिंग फंडिंग, कि हम एक फंड अपना एलोकेट कर दें कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए मिलता रहे. और बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों के टॉयलेट्स लॉक ना रहे, सिर्फ शिक्षक टीचर्स या स्टाफ वो यूज नहीं करेंगे, बच्चे उनको यूज करेंगे. क्योंकि जब बच्चों को ये कहा जाता है कि नहीं टॉयलेट गंदा हो जाता है, आप गंदा कर दे तो इसलिए लॉक है, आप बाहर जाके स्कूल के बाहर जाके टॉयलेट करो, ओपन डेफिकेशन से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी और उससे इंफेक्शन के चांसेस 99.9% ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो हमें जरूरत है कि क्लासमेट्स जो बच्चे आपस में हैं और टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात का ध्यान रखें कि ये सपोर्ट सिस्टम जो कि जिसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, एक विल चाहिए सिर्फ, वो ध्यान में देने की जरूरत है कि हम अवेयरनेस ध्यान रखें और बच्चों के टॉयलेट्स को लॉक ना रखें, पानी की व्यवस्था हो और टॉयलेट्स रेगुलरली क्लीन रहे. अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर भी चर्चा हुई है, और ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस कैंपेन इस समय कोविड लॉकडाउन के टाइम और उसके बाद भी स्कूल्स को अच्छी तरह से यूज करने के लिए, इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग होने के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन जो गोल कोर है SDG का, अगर हम उसको करना चाहते हैं अचीव, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि वॉश स्टैंडर्ड्स जो है वो विदाउट किसी इनइक्वालिटी के, विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम बच्चों तक पहुंचा पाए. दिस इज व्हाट ऑल आई वांट टू से, और मैं फिर क्वेश्चंस लेने में इंटरेस्टेड हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू
यू सो मच अंजलि फॉर बीइंग हियर एंड पॉइंटिंग आउट मेनी थिंग्स. वन ऑफ द थिंग्स अंजलि जी ने बोला दैट यू नो टॉक्ड अबाउट मनी एंड आई ऑल्सो हर्ड अ कॉमेंट हियर सेइंग दैट यू नो हाउ विल वी गेट द मनी टू डू ऑल दीज थिंग्स. आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट दैट एज शी सेड कि अगर हम यूनिवर्सली डिजाइन करते हैं चीजों को, इफ वी डिजाइन फॉर एवरीबडी और उसमें हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बच्चों की रखते हैं, जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह सारे जो इलस्ट्रेशंस हैं उनमें हमें दिखाया, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू. अगर हम बात को किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो पैसा ज्यादा लगता है. अगर हम पहले से ही सोच के अपनी बिल्डिंग्स और अपने स्कूल्स को इस तरह बनाते हैं कि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो तो पैसा कम लगता है. I also want to point out कि एक कानून है, the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 का, and it is linked to the RPE Act, और उसमें बहुत strongly accessibility की बात की गई है, timelines दिए गए. But most importantly, what Anjali showed us कि we already have, if we look at her two books, we already have the standards, we already have the ways to make these changes. We don't need to reinvent the wheel. The knowledge is right here with us. So I hope that we will be able to pick up the two manuals that she and her organization have done and use them throughout the country. Yeah, so I want to answer this question on NGO coordination and participation yes. with the schools. So, ये एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है हमारे NGO का, जिन्होंने schools के साथ मिलके ये एक universal design की जो मैंने बात की थी उसको implementation कराने के लिए. तो जैसे usually हमने schools में देखा है अगर कोई blind बच्चा है, child with visual impairment, तो उसका हाथ पकड़ के उसको school के पानी वाले area तक या toilet तक लेके जाते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है, तो हम टैक्टाइल क्लूज हेल्प कराते हैं टू ऑल द स्कूल्स कि किस तरीके से उस बच्चे को जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको हम रास्ता दिखा पाए, ओरिएंटेशन करा पाए, कि जिससे वो स्वयं इंडिपेंडेंटली टॉयलेट वॉशिंग फैसिलिटीज एंड पानी पीने की जगह तक पहुंच पाए. सिमिलरली देयर आर अदर इश्यूज लाइक जो हमने अवेयरनेस की बात की, कैंपेन्स की बात की, तो बहुत सारे एनजीओज हमारे अलावा पूरे इंडिया में भी हैं जो डिसेबिलिटी राइट्स एनजीओज हैं जो स्कूल्स के साथ ये काम कर सकते हैं. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो यहाँ पर आज फोरम में लोग हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर ये अपने अपने एरिया में एनजीओज को कनेक्ट करें तो एक ये जो दुविधा है इम्प्लीमेंटेशन की ये बहुत आराम से दूर की जा सकती है. इट विल नॉट रिमेन अ चैलेंज एनीमोर. थैंक यू.